हमें कह रहे हैं दुकान के अंकल जी खाली है क्या अपनी? 80,000 तेरा घर भेज जाए। देख के अंकल जी लगी तो नहीं? ओ हीरो फोन लगाए, अबे देख के चलाओ। 500 की स्पीड पर गाड़ी चलाकर भैया TRS पिन वाला वो होगा क्या कनेक्टर? कैसे ब्यूटी फैमिली, आई होप आप लोग तो मस्त हो गए। और भाई आज जो है ना भाई 27 जनवरी है, कल 26 जनवरी, कल वाला ब्लॉग आपने देखा ही होगा कि भाई कहाँ गए हुए थे। और भाई आज जो है ना हम पूरा दिन सोए क्योंकि रात है भाई ना, मैंने ना पठान पिक्चर देखी थी, पठान मूवी जो आई हुई थी भाई शाहरुख खान की, एकदम बिंदास मूवी थी, मज़ा आ गई देख करके। और एक बार बाहर का सीन दिखा दे रहे हैं कि कैसा हो रहा है। और भाई एक चीज़ और बता दें भाई, पूरा दिन सोए पूरा दिन, और अभी थोड़े बहुत जो है घर वाले जो है काम करना है और मार्केट जाना है, वो अडॉप्टर वाली पिन लेकर के आना है। रीज़न क्या है क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही उसमें ब्लॉग में, तो फटाफट जो है गाइस चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपको, दिखाते हैं कि भाई आज जो है ना क्या क्या घर के जो है ना काम करना है। कभी कभी भाई घर के काम भी जो है ना भाई करना पड़ जाता है। ये देखो भाई बड़े स्टाइल से लेकर के जा रहे हैं भाई, इधर जो ना इधर पूरे टपा के, कभी कभी ना ऐसे काम करने पड़ते हैं घर के लिए भाई। सिलेंडर नहीं रखते ना तो कल सुबह ना भाई ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता। बस 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 जरूर यही दुकान है, आ गए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। कितने मिला है? 5,500। डेंजर तभी दिख रहा है वो। अंकल जी ऐसे ऐसे जाएगा, छोड़िए आप भैया, अभी थोड़ा सा अंकल ये आधा रह जाता है बस। अंकल जी ऐसे 5,500। अरे देख रही क्वालिटी दिख रही यहाँ ही मिला है कैमरा है ना अंकल जी, कैमरा हाँ ये 8,500 का कैमरा है। हाँ यूट्यूब पे ना वीडियो डालते हैं, आईफोन वाला लड़का 360 एक्टिव वाले का भी चल रहा है, बाइक लेके आने उसमें आएगा नहीं। तो गाइस देख सकते हो भैया अंकल जी लोग का भी रिएक्शन बहुत खतरनाक था, कह रहे थे कि भाई हेलमेट बहुत प्यारा लग रहा है ना, बहुत जानदार है, बहुत एक्टिव कैमरा है। A few moments later. आज जो है ना गाइस बस थोड़ी देर के लिए जो है दिक्कत होएगी वॉइस में, रीज़न क्या है क्योंकि अभी जो है पिन ही लेने जा रहे हैं। भैया TRS पिन वाला वो होगा क्या कनेक्टर? नहीं वो नहीं होगा। अंकल जी TRS पिन वाला कनेक्टर होगा क्या? TRS पिन वाला माइक है कहाँ मिल जाएगा? भाई दोनों का नहीं मिला ना, अब हमको ना भाई एक ही जगह जाना पड़ेगा, वो है भाई समझ सकते हो मार्केट। भगवान की दया रहती है यार, तुम्हारा भाई कभी कभी आता है यहाँ पे कानपुर में घूम जाता है, वो भी घंटा घर में ही, जहाँ हमेशा मिलता है ना। भगवान की कभी कभी अच्छी खासी और अच्छी दया हो जाती है, कभी कभी इतना खाली मिल जाता है कि भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे जो है ना भाई 500 की स्पीड में गाड़ी चला करके जाता है। यही नहीं अभी और सुनिए, और कभी कभी इतना खाली मिल जाता है कि सामने कभी कभी ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल जी खड़े होते हैं, अंकल जी खींचो फोटो खींचो, इनकी फोटो खींचो। अरे भाई मस्ती करने में बड़ी मजा आती है भाई, वो मस्ती उतनी करो जितनी भाई सामने वाला झेल पाए, समझ रहे हो? अब पुलिस वाले से कह रहे थे अंकल जी काहे खींच रहे हैं फोटो, तो अंकल जी कहते रुक 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 तो रुक, पहले तो रुक तो कहाँ भाग रहा है। अच्छा कभी कभी ना कोई पुलिस वाले बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कभी कभी इतने डेंजर मिल जाते हैं कि भाई हमारी खुद हवा टाइट हो जाती है। हम तो भाई पुलिस वाले कभी भी मिल जाते हैं, अरे अंकल जी छोड़िए आपके बच्चे जैसे तो है, क्या करेंगे हमारा चालान काट कर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलान उनका काटिए जिनके पास भाई कागज सारे हो, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो भाई देख सकते हो भाई चलते हैं ढूंढते मिल जाए, एक ही दुकान है भाई जिनके यहाँ जो है ना मिलने की उम्मीद पूरी रहती है। चलते हैं दिखाते हैं आपको TRS पिन वाला कनेक्टर दे दो, TRS पिन वाला कनेक्टर गाइस देख सकते हो भाई, अब जो है ना आवाज जो है ना इतनी साफ आ रही होगी, ऐसा लग रहा है कि हम आपके बगल में, आप हमारे बगल में नहीं। ना भाई हम जो चिल्ला चिल्ला के कला पाड़ पाड़ करके जो बोलते थे ना भाई, उस तरीके की चीजें जो है ना नहीं होंगी अब जो है ना, थोड़ा सा आराम से बोलने की ना भाई हैबिट हो गई है। गाइस पहले जो आवाज आप सुन रहे होगे ना बड़ी खतरनाक बड़ी डेंजर आ रही होगी भाई, यहाँ देखो मेट्रो काम बहुत स्पीड से हो रहा है भाई। ओए ओए भाई पिकअप तो इतना खतरनाक हो जाता है ना, कभी कभी हमें भी ना सोचा पड़ता है कि भाई भगाए कि ना भगाए, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है गाड़ी यार। हमने सोचा गाइस इधर से आए तो लास्ट सोचा एक्सप्रेस रोड से होते हुए जो है ना गाइस निकलेंगे, लेकिन अब जाएंगे भाई ये वाली रोड से भाई। और आपको एक चीज़ और बताने वाली थी कि कल जो है ना जैसे कि मैं बता नहीं रहा था कि कुछ ना कुछ जो है ना भाई ओपन कर रहा हूँ, सो प्लान कर रहा है भाई अभी चलते हैं भाई मुकुल क्या, क्योंकि मुकुल क्या जाना है भाई, मुकुल से बातचीत करनी है,
कि भाई कैसे क्या चीज़ करनी है अपनी ऑडियंस के लिए। और भाई मेरा तो यार ये मानना है कि भाई अपनी ऑडियंस है ना, अपनी यूट्यूब फैमिली, अपने जो है जितने भी लोग हैं भाई अपने कानपुर के, जितने बच्चे लोग भाई लोग हमको देखते हैं, वो सब ना मेरे से जो है ना ज्वाइन हो जाए और भाई एक मिल के ना एक यूनिटी बनाई जाए कानपुर में अपने ब्लॉगर्स की। और जितने भी भाई जितने भी जो स्टार्टअप कर रहे हैं ना मोटो ब्लॉगिंग वाले, जितने भी लोग हैं भाई सबसे जो भाई जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं उनसे बढ़िया बैठ करके, है ना। सो बहुत जल्दी जो है ना मैं ना जो है ना भाई एक चीज़ जो है खोल रहा हूँ कानपुर में। मैं बता दे रहा हूँ कि क्या खोल रहा हूँ मैं ना भाई, एक कैफ़े खोल रहा हूँ जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और जगह मैं देख रहा हूँ कहाँ खोलना है, ये सब मेरे को जो अभी डिसाइड करना है क्या करना है वो सब जो है ना सब अभी जो है ना सोचना पड़ रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें भी लानी हो, क्योंकि भाई आपके लिए ना भाई सुपर बाइक भी भाई तुम्हारे भाई को लेनी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना भाई बजट जो है ना थोड़ा सा लो भाई, क्योंकि भाई कैफ़े खोलना इज़ नॉट पॉसिबल। कैफ़े में भी भाई पैसा लग जाता है अच्छा खासा, कम से कम 2-3 लाख रुपए तो भाई लग ही जाएगा, 2 लाख रुपए कम से कम। लेकिन भाई मैंने सोचा है कि पहले जो है मैं छोटा सा जो है स्टार्टअप करने की कोशिश करूँगा, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी बट लेकिन जितनी चीज़ें होंगी मतलब जितना भी खाने पीने का जो भी होगा भाई एक नंबर होगा, ये चीज़ तो मैंने सोचा है। और अभी ना भाई हमको ना एक शेफ़ भी देखना है कि भाई कौन बनाएगा वो चीज़, और बहुत सी चीज़ें भाई अब जो है ना होने वाली हैं। सो गाइस देख सकते, अबे देख के चलाओ, देख सकते हो भाई भाई अभी जो है ना नयागंज में है। अब एक कार वाला भाई अचानक से जो है ना भाई हम मुड़ रहे थे, हम देख रहे थे भाई मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी अचानक से घुमा दिया, अबे हमने कह दिया भाई देख के चलाओ। मज़ा आया। ओ भाई भाई देख रहे हो, मतलब कि अभी जो है ना भाई तुम्हारा भाई जो ना आ चुका है कहाँ घंटाघर, हम भी भाई निकाले जा रहे जगह मिलने पे। बस मैंने बस ये चीज सोची भाई जगह मिल जाए निकाल लो। ओए होए भाई उछल पड़ा यार, वो उछल पड़ा भाई घंटाघर में भी ना बहुत पुलिस वाले कभी था कभी इधर उधर जो भाई खड़े रहते हैं। पहले जो है ना गाइस जब घंटाघर जो है ना गाइस बहुत आते थे चाय पीने के लिए, मतलब चाय के इतने शौकीन, मतलब 50-50 किलोमीटर चले जाते थे चाय पीने के लिए। बस ये चाय का शौकीन जो है ना भाई हमको जो है ना एक कैफे खोलने में ना भाई मजबूर कर रहा है और कुछ नहीं। और जितने भी भाई अपने चाय के शौकीन मेरे भाई लोग हैं वो सब के सब आएंगे मेरे कैफे में। ऑलरेडी आप लोग जो है मेरे जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे भाई लोग चाय के शौकीन लोग जितने भी ना भाई सब के सब इनवाइटेड हो आप लोग। भाई अभी तो बहुत चीज़ें करनी भाई, जगह देखनी है भाई, इंटीरियर देखना है कैसे क्या करना है, शेफ देखना है, बहुत चीज़ें भाई, मशीनें खरीदनी है, उन सब का व्लॉग आएगा भाई कैसे कैसे जो है क्या क्या चीज़ मैंने कितने कितने की खरीदी है और क्या क्या रेट जो है ना भाई होगा। ओहो भाई साहब, ओ हीरो फोन लगायो कहाँ, ये होती ट्रिक भाई। ओ अरे देख के अंकल जी लगी तो नहीं, ये होती ट्रिक भाई जब ज्यादा जाम लगाओ तो उल्टे आकर के आगे खड़े हो जाओ, काम खत्म। ये है भाई असली कनपुरिया की पहचान, क्यों भैया यही है ना अंकल, असली जब जाम लगाओ तो अपने किनारे से आके आगे खड़े हो जाओ। भाई तुम्हारे भाई को अगर पतली सी जगह मिल जाएगी ना तो हम जो है ना भाई वहां से भी निकाल ले जाएंगे। भाई मुकुल की जो है ना कैफे आ चुके हैं, देख सकते हो भाई अभी जो है ना भाई मुकुल भाई पूरी तरीके से सही से नहीं बताया हुआ है, और हमारे अभिषेक बाबू उधर बैठे हुए हैं। दुकान देखने जा रहे, क्यों मुकुल भाई बताओ है कौन सी दुकान देखने जा रहे, झूठ बोल रहे भाई देख रहे हैं यहाँ पे जो ना अलग माहौल बना रहे, अलग माहौल बना देते हैं लॉन्डे लोग, सच बता रहे हैं।
बस थोड़ी देर में यार हेलमेट वगैरह पहनते हो फिर आपको सीधे मिलते हैं भाई। प्यार से चलाना प्यार से भाई, हम प्यार से चलाते हैं गाड़ी। तो गाइस अभी जो है ना भाई हम लोग जो है भाई निकल चुके हैं। पतली गाड़ी ना कहीं भी घुस जाती है। अच्छा क्या कर रहे हो भाई? निकल जाता है ठीक करवाना, अभी निकला तो नहीं भाई, जब ठीक करवाने तो निकलता नहीं है। है तो साली तोड़ कह रहा है उसको। ये अजीब मान है भाई साहब, आदमी घड़ी खरीदता है तोड़ता नहीं है, ये भाई साहब घड़ी तोड़ लेंगे। सीखो इनसे, ये होते ये होते महान लोग है। क्यों बताया था ना पैसे कमी नहीं है। पैसे की कमी है वे देखे। ए मुकुल 80,000 है तेरा घर नहीं जाएगा। अबे लाओ यार वैसे तोड़। मुकुल के भाई गली सही कराने आए और बगल में भाई यार लड़के लोग जो है ना भाई कह रहे बोनी हो गई। हाँ भाई जी 900 का ही प्लान कर रहे हैं। बस निंजा ले आई हमारी फेवरेट ड्रीम कार है भाई, कहता है कावासाकी। हाँ भाई इसका भाई वो दोनों गाड़ी आएंगे, वेट करना अभी ना भाई। मुकुल भाई कह रहा था कि यार 0-100 का भाई कावासाकी। तो गाइस अभी जो है ना भाई के ब्लॉक वाली मार्केट में घूम रहे हैं। अभी एक जगह भाई रुक गए थे, वहाँ पे भी थोड़ा सा भाई पूछ पाछ रहे थे कि भाई क्या सिस्टम है क्या मार्केट है। यार हाईवे में आने का भी मजा एक नेक्स्ट लेवल वाला होता है ना। ये देखो मुकुल ये पता नहीं क्या है, ढाबा नहीं खोलना यार हम लोग को। बाबा का ढाबा गाइस पता चला, बाबा का ढाबा खोल रहे हैं हम लोग। ओ मुकुल भाई कह रहा पकड़ ले मेरा भाई। क्या पकड़ ले मुकुल भाई? मतलब तुम्हारे भाई की जो राइडिंग है ना उसको उसको ना कोई बीट नहीं कर सकता यार। अबे भाई कहाँ से निकालना भाई, वो देखो उधर जाम लगा है, हमको देखो भाई साहब। ये वाली रोड देखो, बीए मार्केट देखो, हाँ आज की चल रही है। तो गाइस अभी बर्राली मार्केट जो है ना गाइस देख रहे हैं। हमें कह रहे हैं दुकान के अंकल जी खाली है क्या अपनी? नहीं तो अच्छा लिखा हुआ था ना टॉयलेट, लिखा हुआ नो टॉयलेट लिखा, देखिए नो जुड़ गया क्या? अच्छा ये ना ये लिखा है ये। वो किसी ने रब कर दिया, हम लोग निकल रहे थे ना देखो रब करा हुआ है किसी ने, ये लिखा है टॉयलेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो गुप्ता के। ये मादक तो तो गाइस देखा भी अंकल जी का क्या रिएक्शन था। अंकल जी कह रहे मुकुल भाई अंकल जी कह रहे थे गुप्ता का लौंडा है, गुप्ता का लौंडा बिठा जाता है। अभी ना एक दुकान की तरफ और आए और मुकुल भाई ये इस एरिया की लास्ट, इस एरिया की लास्ट दुकान है ना। और भाई घंटी तो बजा दी। अरे अंकल जी नमस्ते, दुकान खाली है क्या अंकल जी? अच्छा ठीक है भाई, जिधर जा रहे हैं क्यों मुकुल भाई एक बात बताओ भाई, जिधर जा रहे हो उधर आदमी कह रहा है दुकान नहीं खाली है, है? नहीं तो हम लोग करे तो करे क्या, हम लोग की कदर नहीं कर रहे। सही बात है। A few moments later. भाई गर्म पानी भाई थक गए हम लोग ने गए यार ना, इतनी दुकानें देखी सब जगह देखा ना। बर्रा तक गए, बर्रा कर रही और कौन सी साकेत अगर दो तीन मार्केट जो है देख करके आए। एक जगह भाई 35,000 किराया, एक जगह भाई कितना था 38,000 किराया, एक जगह भाई 12,000 किराया। तो हम लोग के दिमाग क्या चल रहा है बोलो बताओ। अभी सोच रहे बात करेंगे। अरे यार हम यही बैठे हटो, हाँ यही बात करने के लिए अभी बैठे हैं आराम से। हाँ पानी पीते पीते बात करेंगे भाई। मतलब एक चीज़ ये मान के चलो दुकान का किराया कम से कम भाई 25,000-30,000 है। क्यों आराम से पगड़ी रखो या हाँ रखो। अगर तुमने पगड़ी नहीं भी रखी तो भाई मान के चलो कम से कम तुमको 3 महीने का किराया रख से देना पड़ेगा। और हर साल जो है 10% जो है भाई, मतलब हर साल जो है ना भाई 10% जो बढ़ता है वो तो अलग ही अलग क्यों किराया। और क्या बता सकते भाई, यही सब है। सो देखते हैं मुकुल भाई कह रहा है देखते हैं क्या होता है। क्या होता है देख रहे हैं यार। मतलब मान के चलो मुकुल भाई कितने का इन्वेस्टमेंट आ सकता है तुम्हारे हिसाब से? तुमको लगता है अगर देखा जाए हाँ तो 2-2.5 लाख का है। हाँ 2-2.5 लाख ना मेरे दिमाग में आराम से स्टार्टिंग है। हाँ स्टार्टिंग है। हाँ यार कम से कम 2 लाख रुपए तो कम से कम आप हंस के मान के चलो रख के चलो रख के चलो किराया और ये सब देख के। हाँ
और फिर 6 महीने का तो भाई आप एक्स्ट्रा लेकर के चलते हो ना, चलो कि भाई अगर आप कहीं दुकान खोल भी रहे हो तो कम से कम 6 महीना तो आपको एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ता है। सो हमने इतना जो है डिसाइड किया है, देखते हैं कैसे क्या करना है। अभी बहुत सी दिमाग चीज चल रही है कि भाई अपने घर के नीचे ही खोल ले क्यों भाई, बट देखेंगे अपने घर के नीचे ना कोई दुकान खाली नहीं है। और मुकुल कह रहा है यार क्यों ना यार छोटा सा स्टॉल खोला जाए अपने घर के नीचे, है क्यों घर के नीचे, घर के नीचे है सही रहेगा, सही तो रहेगा। फिर देखते हैं क्या होता है, कुछ पता नहीं है, कंफ्यूजन चल रहा है, कंफ्यूजन भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो यार इसी के साथ जो है ना गाइस ये वाला ब्लॉग करते हैं खत्म, क्यों है ना। सो गाइस इसी के साथ जो है ना ये वाला ब्लॉग करते हैं खत्म, मिलता है आपको किसी नई वीडियो में किसी नए दिन, तब तक ले गाइस अगर आपकी वीडियो यार अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल, क्यों बोलो भाई लड़का थे ये बात।